नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने 2015 की तुलना में 2019 में ऊंची उछाल भरी है। चार साल में प्रदेश 23वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया। 12वें पायदान की लंबी छलांग से खुश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश को, उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इसका परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई देगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की सूची। बिजनेस रैंकिंग में उत्तराखंड 11वें स्थान पर। साल 2015 में था प्रदेश 23वें स्थान पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई खुशी। उत्तराखंड ने चार साल में 12 स्थानों का किया सुधार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने 2015 की तुलना में 2019 में ऊंची उछाल भरी है। चार साल में प्रदेश 23वें से 11वें स्थान पर पहुंचा। 12वें पायदान की लंबी छलांग से खुश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश को, उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इसका परिणाम शीघ्र ही धरातल पर दिखाई देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन की सूची जारी की। इस सूची में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के चौथे एडिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने चार साल में 12 स्थानों का सुधार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश से संबंधित आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण, जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित श्रमिक के साथ उत्पादकता और श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति राज्य के सकारात्मक क्षेत्र हैं। ये परिस्थितियां राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य को निवेशकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लिए कई पहल को साकार करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लिए की गई पहल को साकार करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ एक जनपद एक उत्पाद की दिशा में भी योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य ने पिछले चार वर्षों में अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, जबकि बीते वर्ष ईज ऑफ डूइंग में अपने 11वें स्थान को बरकरार रखा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर नैनीताल से, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन जोशी ने नैनीताल कृष्णापुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार पर क्षेत्र में रह रहे लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा है कि यहां निवास करने वाली गरीब जनता को सरकार ने एक जगह कैद करके रख दिया है। वर्षों से हो रहे बलिया नाले में भूस्खलन से दुर्गापुर कृष्णपुर में रहने वाले लोग दहशत के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्र को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग विगत एक साल से बलिया नाले में हुए भूस्खलन से मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो वहीं बुजुर्ग और बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे। देखिए, आज जो नैनीताल के समीप एक कृष्णापुर वार्ड है, यहाँ आकर के जो यहाँ की समस्याएं हमने देखी, वो समस्याएं आज 21वीं सदी में उन समस्याओं को देख पाना अपने आप में एक शर्म की बात है। यहाँ पर इन लोगों का जो नैनीताल को जाने वाला मुख्य मार्ग है, वो पिछले एक साल से टूटा हुआ है। और यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको जाने की स्थिति में वो लोग नहीं रह पाते हैं। जहाँ पर इन लोगों का निवास है, उसके ठीक बगल में बलिया नाला बह रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर पर भूस्खलन चल रहा है और कहीं ना कहीं पर इन लोगों की जान को भी खतरा रहता है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर के ग्राम हरिपुरा में ताली थाली बजाकर
सरकार को जगाने का प्रयास किया। बता दें आपको, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाकर हमलावर है, जिसके चलते कांग्रेस नेता जगतार बाजवा ने ग्राम हरिपुरा हरसान में सरकार के खिलाफ ताली व थाली बजाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करी। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे युवा हैं जिनके पास रोजगार था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो रोजगार छिन गया। आज वो भुखमरी के कगार पर हैं और ये सरकार बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती। आज कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है कि ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, युवाओं के जो रोजगार हैं, उनकी व्यवस्था की जाए और जिन युवाओं का रोजगार चला गया है उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान किया जाए। इसी हिमालयन हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित रोगियों के लिए हॉस्पिटल की मुख्य बिल्डिंग से अलग अलग बिल्डिंग में उपचार की व्यवस्था करी गई। हॉस्पिटल में उपचार में आने वाले अन्य रोगियों की सुरक्षा व संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ये व्यवस्था बनाई गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय दसमाना ने कहा कि 1994 से हिमालयन अस्पताल रोगियों की स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। जब कभी राज्य में कोई आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा। इस संकट काल में भी हिमालयन हॉस्पिटल सामाजिक जिम्मेदारी के दायित्व को बखूबी निभा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना ग्रसित रोगियों के लिए ओटी आईसीयू वार्ड सभी अलग अलग बनाए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमित रोगी का उपचार किया जा सके। एक अलग से बिल्डिंग जो सेपरेट बिल्डिंग है जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हटके है उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में ओटी तैयार कर रखी है, उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है, उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे जो उनको आईसीयू की सुविधा चाहिए होगी उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के एक दूसरी बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। कोरोना काल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना के कारण हर सेक्टर के लोग परेशान हैं। सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र, हर जगह आर्थिक परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, जिस कारण व्यवस्था पटरी से उतर गई। अभी भी कोरोना से उभरने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके लिए अनलॉक क्षेत्र को किया जा रहा है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने से डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज के शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ को वेतन नहीं मिल पाया है, जिस कारण स्कूल के शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षक दिवस के दिन मजबूर होकर शिक्षकों ने बाजू पर काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताया। कोरोना काल में भी हमारे तमाम लोगों ने बीमारी की परवाह ना करते हुए शासन प्रशासन के आदेश को मानकर अपना फर्ज निभाया और ड्यूटी भी दी, लेकिन उसके बाद भी आज 4 महीने हो गए लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और डोईवाला के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा की सरकार पर सवाल खड़े किए। ये शिक्षक जो बेचारे घर से दूर दूर कितने 100 किलोमीटर पर रहते हैं उनको आज वेतन न मिला 3-4 महीने हो गए, ये बहुत चिंता की और गंभीर बात है। जब शिक्षक को खाने को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी तो शिक्षा क्या बच्चों को देगा? वो तो अपना घर बार छोड़कर त्याग की भावना का त्याग का प्रतीक होता है अध्यापक। अगर उसकी भी तनख्वाह कट रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही, थोड़ा दुख तक जाए। तो ये राज्य सरकार, मैं नहीं जानता, पूरे प्रदेशों सबसे पिछड़ी है। रोडवेज कर्मचारी को 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, राज्य कर्मचारी का 1 दिन का भी। उत्तराखंड में हुई इस बार अच्छी बरसात के चलते वर्षों से सूखे पड़े जलाशयों में पानी भरने से प्रकृति प्रेमियों में खुशी की लहर है। अयारपाटा, किलवरी, सूखाताल सहित कई जलाशयों में पानी भरा हुआ है। जंगलों के जलाशय में पानी भरने से अब गर्मियों में पानी के लिए वन जीव गर्मी से में उनको भटकना नहीं पड़ेगा। तो वहीं लगभग सूख चुके जल स्रोतों में भी फिर से जीवित हो चुके हैं। जलाशयों में भरा पानी नैनी झील के लिए भी वरदान साबित होगा। नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर बारा पत्थर विनायक मोटर मार्ग के समीप किलबरी नाले में एक बार जलाशय का निर्माण नैनीताल वन विभाग नैनीताल द्वारा किया जा चुका है। प्रकृति प्रेमी मनोज जगाती बताते हैं, उन्होंने 10 वर्ष में पहली बार इस जलाशयों में इतना
पानी देखा है। जलाशय निर्माण के बाद वन जीवों को जल उपलब्ध होने के कारण इनके गांवों को की ओर पलायन की कमी हो जाएगी। इसके बाद पहली बार यहाँ पानी इतना भरा हुआ देखा, और क्योंकि हम लोग निरंतर इस जंगल से जुड़े हुए हैं, इसके हरियाली का ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर आए दिन हम जो पार्टी करने आते हैं साफ सफाई करते हैं, तो हमने अपने 2010 के बाद पहली बार इतना पानी देखा है। और कभी इसी बीच ये तालाब जो थे दो हिस्से जो थे एक हो गए थे, इतना पानी इस पर भर गया था। तो इनको जाना जाता था बर्फ खट के नाम से, और जो चाल खाल के से भी काफ़ी बड़े हैं, और इस पर काफ़ी हजारों लीटर यहाँ पानी इकट्ठा होता है। नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे 87 पर सुबह पहाड़ी में हुए भूस्खलन की वजह से यातायात के लिए 3 घंटे के बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया था और मलबे से पूरी सड़क पट गई थी और वाहनों का आवागमन ठप हो गया था। NH में तमाम स्थानों पर कमजोर पहाड़ियों पर मानसून में भूस्खलन होता है। हनुमानगढ़ से बलिया खां ताकुला बेरुवा खान तक की क्षेत्र में दृष्टि से संवेदनशील हो चुकी है। सूचना पर मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे से यातायात को सुचारू करवाया। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हिमांशु पांडे ने बताया कि JCB से देर पहुंचने से लोगों को कई घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। मैं समझता हूं कि ये मुख्य NH है जो नैनीताल हल्द्वानी को जोड़ता है, और लगभग 2-2.5 घंटा इसको बंद हुए हो गया है, और कहीं ना कहीं ये विभाग की एक लापरवाही है कि जो यहाँ मशीनों का देर से पहुंचना, और आपने दोनों तरफ देखा होगा इस साइड भी और उस साइड भी काफ़ी लोग यहाँ पर आने जाने वाले, जिनको हल्द्वानी जाना है और नैनीताल आना है, काफ़ी पर्यटक या काफ़ी लोग स्थानीय लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि विभाग की लापरवाही, मशीन का देर से आना विभाग की लापरवाही है। मंगलौर कस्बे में स्थानांतरण हुए चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चौकी इंचार्ज के स्थानांतरण के बाद मंगलौर कस्बे वासियों ने फूलमालाओं से विदाई की। उसी रोज चौकी प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंचार्ज को आइसोलेट कर दिया गया। कोतवाली मंगलौर में सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जाँच की गई है, जिसमें एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी CSC अस्पताल में तैनात 4 चिकित्सक सहित 8 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना योद्धाओं के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं क्षेत्र में भी लोगों में दहशत फैली हुई है। कोरोना संक्रमित के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील कर रहा है। टेस्ट किए हैं, कोरोना सैंपल्स लिए हैं जो पुलिस वाले हैं सारे, उनमें से एक मनीष कुमार सन ऑफ ब्रजेश कुमार ये पॉजिटिव निकला है, जिसको हम होटल पैसिफिक में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उसका वहाँ इलाज हो और नॉर्मल होने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर आ सके। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं कोरोना योद्धा भी लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलौर CSC के में तैनात डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टर सहित 8 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों को आइसोलेट कर दिया गया और अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टरों के संपर्क में आए लोगों को का डेटा निकाल रही है। अस्पताल सीज होने के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, 1 फार्मासिस्ट है, 1 दंत सहायक है और हमारा 1 रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें वेल्टी है, मैं हूँ, 1 डॉट्स का कर्मचारी है, 1 हमारा वार्ड बॉय है, और बाकी 2 लोगों ने क्या नाम जांच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और PK गोस्वामी दृष्टि मृतिक हैं। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1,000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर ₹1,000 का कूपन दिया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा कूपन, प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रुकने पर मिलेगा फायदा, ई बुकिंग कराने पर मिलेगा 1,000 का कूपन।
टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। वही कॉर्बेट में सैलानियों की एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1,85,55,000 रुपए वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया है। वही केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। चीनुक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा। बता दें, कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मोहर लगी है। फैसला लिया गया है कि उपनल के जरिए अब सामान्य युवाओं को भी भर्ती की जाएगी। अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन स्टम्प पेपर के साथ कई तरीके की रियायतें भी दी जाएंगी। विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए एक मुश्त सब्सिडी देगी। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई टेंडरिंग की जाएगी। विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी। वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है, इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बोलता है फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।